एक्टर रहे डायरेक्टर रहे सतीश कौशिक मौत मामले को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो सामने आई है। खासकर अगर बात करें विकास मालू जी की जो पत्नी है, उनका कई तरीके से आरोप लगा है, पैसे का लेन देन हो या दाऊद के रिश्ते हो, कई ऐसी तस्वीरें हैं जो सामने आई है। हालांकि पुलिस उसको भी बारीकी से जांच रही है। हमारे साथ विकास मालू जी भी हैं और राजेश जी भी हैं जो वकील हैं। सर, मेरा आपसे सवाल है कि एक जो डेथ होती है उस पर सवाल खड़े करती है विकास मालू जी की पत्नी, उस पर पैसे की बात आती है, उस पर दाऊद के कनेक्शन की बात आती है, कई लेन देन की बात आती है, वो क्या है, उसे कैसे आप डील कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सतीश कौशिक जी के डेथ की बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर्स के स्टेटमेंट से ये हो गया है कि ये नेचुरल डेथ था, कार्डियक अरेस्ट था, और उनके सारे के सारे रिपोर्ट आ चुके हैं पुलिस के पास। सिवाय इनकी स्ट्रेंज्ड वाइफ सानवी मालू के अलावा कोई एलिगेशन इन पर इस केस को सतीश कौशिक से रिलेटेड नहीं है। जो सानवी मालू है उनसे इनकी शादी हुई थी 2019 में और 17 अक्टूबर 2022 से वो चली गई। उसके गलत कारनामे इनको बाद में पता चला नवंबर में, उन्होंने भी पारिवारिक मुकदमे दायर किए, इन्होंने भी मुकदमे दायर किए, वो अभी तफ्तीश चल रही है। और उस तफ्तीश में अचानक ये मोड़ आ गया है सतीश कौशिक जी का, चूँकि उसको अपने उस केस में किसी तरह का कोई लग नहीं रहा है कि वो उस अपने केस को साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत दे सके, और वो इनको परेशान करने का कोई वजह छोड़ नहीं रही है, क्योंकि सारे केस का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ इनसे पैसे लेना है और कुछ नहीं था। और यही वजह है कि वो इस केस में भी, जब उस केस में वो परेशान नहीं कर पाई तो ये केस में भी वो अपने आप को वैसे आ रही है। क्योंकि रही बात पैसे लेने की, तो सिवाय सानवी मालू के ना तो उनके परिवार वाले, ना ही कभी सतीश कौशिक जी ने इसका जिक्र किया, और पिछले 30 साल से घनिष्ठ पारिवारिक संबंध थे इनके, किसी तरह का कोई पैसे का लेन देन था ही नहीं, सिर्फ प्यार की बात थी। 24 अगस्त 2022 को इनके बेटे का 18वीं जन्मतिथि थी, तो उसमें इनके रिक्वेस्ट पर सतीश कौशिक जी दुबई भी गए, होली में इनके बुलाने पर वो यहाँ पे भी आए, तो आप समझ सकते हैं कि घनिष्ठता कितनी थी। और अगर आपने देखा होगा, होली का जो ये था वो काफ़ी फेस्टिव मूड में थे, काफ़ी खुश मिजाज थे, तबीयत अचानक ख़राब हुई, और जब अचानक ख़राब हुई उनको शुरुआत में लगा कि हो सकता है शायद एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, तो उन्होंने डाइजिन वगैरह जैसे कुछ दवा लिया, उसके बाद तब भी नहीं ठीक हुए तो वो इमिडिएटली उनका हॉस्पिटलाइज हुए, हॉस्पिटल की तरफ गए, तो ये वहाँ पर हॉस्पिटल में भी थे, ये क्रीमेशन में भी थे, ये 29 जनवरी 2022 ऑनवर्स तो ये यहाँ पे भी है। तो इनके जाने का या फरार होने की बातें जो वो कह रही है वो सर्वथा गलत है, और जितने भी उसके स्टेटमेंट हैं या जो इल्ज़ाम है वो बेबुनियाद है और झूठे हैं। विकास जी, मेरा सवाल आपसे एक बार फिर ये बन रहा है कि अब ये मामला पारिवारिक भी है आपका, एक परिवार वो जो अब नहीं रहे जिसकी बात आप 30 साल से कर रहे थे, दूसरा एक परिवार ये एलिगेशन लगा रहा है कि जो पैसे का लेन देन जैसे सर बता रहे थे, कई चीज़ें ऐसी थी, आप उसको कैसे डील करेंगे? क्योंकि क्या आपने उसको सेटल करने की कोशिश की थी, क्योंकि अचानक से सामने आई हैं वो? नहीं, अभी सेटल की तो कोई ऐसी वो है नहीं, अभी तो जो और चीज़ अभी चलेंगे, अब तो कोर्ट के अंदर मैटर है। देखिए, ये मैटर जब तक पुलिस पूरे तरह से तफ्तीश नहीं करती है और दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता है, तब तक इस मामले में हम क्या कर सकते हैं? सर, आपने इस एलिगेशन पर कोई जवाब दिया पुलिस में? आपने अपनी तरफ से कोई बात रखी कि इस तरीके से? अभी कोई नहीं। सतीश कौशिक जी के बाद जिस तरीके से सवाल उनकी मौत के बाद जो सवाल खड़े हो रहे थे, उस पर आपने अपनी प्रतिक्रिया पुलिस के सामने कोई कंप्लेंट या कोई लिखित कुछ ऐसा दिया? नहीं, ऐसे मैंने कोई कंप्लेंट कोई वो नहीं दी है। तो आप इसको कैसे डील करेंगे अब, क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं, वहाँ भी नोटिस गया हुआ है, आपकी जो पत्नी जिन्होंने कहा है कि मुझे बुलाया जा रहा है और मैं जो अपना बयान दर्ज कराऊंगी, तो उस पर क्या आप पुलिस का नोटिस आने पर ये जांच में सहयोग करेंगे? क्या लगता है कि आप अब यहीं रहेंगे अभी या दुबई चले जाएंगे आप? मैं तो यहीं पर ही हूँ। यहाँ रहेंगे जब तक जांच चलेगी? जब तक जांच है मैं पूरा सहयोग करूंगा पुलिस के साथ, नहीं जाएंगे कहीं? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल यहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर है कि एक पूरा घटनाक्रम था जो दुखद घटना था, हालांकि इस बार में पारिवारिक जिस रिश्ते की बात की जा रही थी, लेकिन तस्वीर कुछ यही है कि अब विकास मालू सामने आए और खुद सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं। कैमसन अभिनाथ के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़24।